हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमने एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और आज के वीडियो की सबसे अच्छी तो टिप होने वाली है। गाइज, आज की जो वीडियो है हम उसमें आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब आपके इरेशनल नंबर के फॉर्म्स में दी जाती हैं तो उन केसेस में आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने अब तक जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी होंगी वो सभी रियल नंबर्स मतलब रेशनल नंबर्स से डील करती हैं, जिसमें सभी होल नंबर्स होते हैं। मगर जैसे अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर आपके इक्वेशंस में कुछ ऐसे सर्ड्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे स्क्वायर रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो उन केसेस में आप क्या करोगे, क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे एग्जाम में? नहीं गाइस, आप लोग क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि हर मार्क इम्पॉर्टेंट होता है और सभी स्टूडेंट का एम होना चाहिए कि वो फुल की तरफ एम करे। क्योंकि जब आप हाईएस्ट मार्क्स को एम करते हो तो उसमें से भी कट के छांट के आपको काफ़ी कम मार्क्स आते हैं, और अगर आप स्टार्टिंग से ही 70% 60% की एमिंग रखोगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा लो कि आप लोगों को एंड में क्या हाथ में आने वाला है। तो गाइस, इसीलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और चैनल पसंद आने पर, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के इंस्पिरेशन के लिए, आप लोगों की सपोर्ट के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। और आप लोगों का इंस्पिरेशन ही है जो मुझे हर रोज़ एक नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो गाइस, चलिए आज सीखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए जब रूट्स आर इरेशनल, जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 5 रूट टू इज इक्वल्स टू 0। और इसमें आप लोग देख सकते हो कि इन प्लेसेस के ऊपर मेरे पास इरेशनल नंबर्स इन्वॉल्व हैं विच आर नथिंग बट योर स्क्वायर रूट्स। तो ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है कि ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी, आपको उसे प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन दीज प्रॉब्लम्स और आप इसके लॉजिक को समझ सकोगे। तो हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ करने वाले हैं गाइस, ऑल्दो आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन और फिर आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स एज वेल एज योर फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हो, मगर आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगी कि फैक्टराइजेशन या स्प्लिट द मिडिल टर्म से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें एज यूजुअल फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और लास्ट वाला कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो रूट टू इंटू 5 रूट टू मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब हमें इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, बी वेरी केयरफुल गाइस। जब भी इस स्क्वायर रूट के सामने कुछ भी नहीं है तो आप इसके सामने डिफॉल्ट होल नंबर 1 लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1√2 हो गया और यहाँ पर 5√2, तो इससे आपको मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा। 1 5 सा 5 हो जाएगा गाइस, और फिर √2 × √2 आपको 2 देगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने होल नंबर पार्ट को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया है और जो मेरा इरेशनल पार्ट था मैंने उसे इरेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई किया है। तो अब मेरे पास इसका आंसर आ जा रहा है 10। नाउ गाइस, हम लोग चलते हैं मिडिल टर्म की तरफ, और मिडिल टर्म में मेरे पास अच्छी बात यह है कि कोई इरेशनल नंबर नहीं है, कोई रूट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल होल नंबर 7। और मेरे पास फैक्टर्स भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, 5 2 10 रेडी है क्योंकि 5 + 2 मुझे 7 दे देगा, तो मुझे और कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल एम आई गोइंग टू डू इज़ मैं पहले वाला नंबर मेरा पूरा कॉपी कर देती हूँ और मेरा लास्ट वाला कॉन्स्टेंट जो है उसे भी हम लोग पूरी तरीके से लिख लेते हैं। आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो तो हम लोग इस बात को सेपरेट आउट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म भी लिख लिया और मेरा जो लास्ट का कांस्टेंट पार्ट है मैंने वो भी लिख लिया। अब बात आती है कि मैं इसे रिजॉल्व कैसे करती हूँ, स्प्लिट कैसे करती हूँ मिडिल टर्म को। मेरे पास यहाँ पर 5 और 2 है, तो प्रेफरेबली मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, स्टार्टिंग में रूट टू है तो पहले आप लोग 2 लिख लीजिए और x लिख लीजिए, और फिर आप लोग लिख लीजिए 5 और उसके बाजुक लिख लीजिए x, ताकि मेरे पास यहाँ पर सेट्स जो हैं वो आइडेंटिकल दिखें। दूसरी वक्त में हम लोग क्या करेंगे, साइन को डिसाइड करना है, प्लस की साइन, और इसे भी प्लस करना है। तो विदाउट एनी हैसल एंड कंफ्यूजन हम लोग डाल देते हैं प्लस की साइन, तो 5 + 2 आपको 7 दे देगा।
अब हम चलते हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स निकालने की तरफ। तो हमें फर्स्ट सेक्शन में से कॉमन निकालना है, मगर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर रूट 2 है, ये इरेशनल है और ये रेशनल है। तो हमें पहले इन्हें सेम फैमिलीज का बनाना होगा। तो ऑल आई कैन डू इज आई जस्ट राइट रूट 2x² और फिर मैं 2 की जगह लिख देती हूँ रूट 2 इंटू रूट 2x। गाइज लेट मी टेल यू, रूट 2 इंटू रूट 2 आपको वापस से 2 देता है। कैसे देता है? क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 4 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको 2 मिल जाता है गाइज। तो हम लोग इस 2 को फर्दर स्प्लिट करते हैं एज रूट 2 इंटू रूट 2। फिर हम चलते हैं 5x की जगह पर और हमें यहाँ पर कुछ भी स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा है हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना है क्योंकि 5 और 5 पहले से होल नंबर्स हैं। अब चलते हैं हम कॉमन निकालने की तरफ। तो आप देख सकते हो रूट 2 रिपीट हो रहा है, तो बट नेचुरल है रूट 2 आपका कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर में से और एक्स में से आपका कॉमन स्मॉल एक्स निकल जाएगा। हम लोग ब्रैकेट्स खोल देते हैं, आपको मैंने सिखा दिया है कि आपको कॉमन कैसे निकालना होता है। एनी टाइम कन्फ्यूजन होने पर आपने जो कॉमन निकाला है आप उससे सेट्स को डिवाइड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं रूट 2 एंड रूट 2 गेट्स कैंसल्ड, एक्स एंड एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, तो आपके पास सिर्फ एक एक्स रहने वाला है। उसके बाद हम लगाते हैं प्लस की साइन, फिर से रूट 2 कट हो जाते हैं, एक्स और एक्स भी कट हो जाते हैं और अब आपके पास बच जाता अगेन वन मोर रूट 2। चलते हैं अब इस सेट की तरफ। तो यहाँ पर 5 दो बार आ रहा है तो बट नेचुरल है इसकी 5 बाहर निकलेगा। x की कोई पेयरिंग नहीं है तो x को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जिस टर्म को बाहर निकाला है, कॉमन निकालना है, उससे आपको कैंसिलेशन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर आपके पास x रह गया है, फिर से यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया है रूट 2। तो गाइज इससे हम लोग ये दोनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं तो रूट 2 एक्स प्लस 5 हमारे पास एक सेट आ जाता है और एक्स प्लस रूट 2 हमारे पास दूसरा सेट आ जाता है। अब चलते हैं इसके फाइनल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑल यू हैव टू डू इज ये जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आई हैं हमें उसे इक्वेट कर देना है जीरो की तरफ। तो गाइज रूट 2x यहीं रहेगा और 5 उधर गया तो -5, x इज इक्वल्स टू -5 बाई रूट 2, ये निकल कर आ गया है आपका पहला सोल्यूशन या पहला रूट। फिर हम चलते हैं हमारे दूसरे रूट की तरफ, तो रूट 2 उधर जाएगा तो ऑब्वियसली -√2 बन जाएगा। सो देयरफॉर गाइज x इक्वल्स टू -√3 रूट 2 या x इक्वल्स टू -5 बाई रूट 2 आपके दो सोल्यूशंस हो चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग क्लियरली देख लीजिए कि हमारे सेकेंड सेक्शन में या हमारे सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर हमारे सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो 3x² -4√3 +4 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है, मगर लेट मी टेल यू गाइज कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका जो इरेशनल नंबर है, जो आपका रूट है, वो सीधे बीच में आ रहा है, यानी कि वो जो है आपका x का कोएफिशिएंट बना हुआ है। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगेन हम लोग इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं और फिर आप देखिए समझ में आता है या नहीं आता है। हमें एज यूजुअल फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो लीजिए हम लोग इन लोगों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था वो तमाम आपको सेक्शंस या सेट्स लिखने होते हैं या फैक्टर्स लिखने होते हैं जिसमें 12 आता है, मतलब ये नंबर आता है। तो 3 4s हो चुका है, 6 2s भी 12 होता है, 12 1s भी 12 होता है। गाइस 2 6 and 6 2 इज वन एंड द सेम, 4 3 and 3 4 इज वन एंड द सेम, तो आप लोग एक ही बार इसको लिख सकते हो। अब तमाम फैक्टर्स लिखने के बाद यहाँ पर अगर सिर्फ 4 होता गाइस तो डिसाइड करना काफ़ी आसान हो जाता जब तो हम 6 and 2 ले लेते थे, मगर हमारे पास इसके साथ रूट 3 भी जुड़ा हुआ है। तो इस केस में हमेशा याद रखिए आपको यहाँ पर जो फ्रंट नंबर दिखता है आप उसके अकॉर्डिंगली सेट चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 और 4 के सेट को चूज किया है। अब आप देखिएगा कि मैं ये 3 और 4 के सेट को मिडिल टर्म में कैसे कन्वर्ट करती हूँ। सो गाइस ऑल यू हैव टू डू इज I have chosen over here the set which is nothing but 3 into 4. तो मैं इस 4 को कैसे स्प्लिट करूंगी, मैं इस 4 को लिख देती हूँ 2 into 2 guys, और मेरा 3 जो है वो लिखा जाएगा √3 into √3। तो आप लोग इसे क्लियरली ऑब्जर्व करिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है। मैंने चूज किया 3 और 4 का सेट क्योंकि मेरे पास नियरिंग आइडेंटिकल उसी नंबर से रिलेटेड यही सेट था, और इस सेट को चूज करने के बाद मैंने 4 को स्प्लिट कर दिया है 2 और 2 में और 3 को मैंने स्प्लिट कर दिया है √3 and √3 में। अब आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस है, तो ऑल यू हैव टू डू इज मैं इसे भी माइनस लगा देती हूँ यहाँ पर और मैं इसे भी माइनस लगा देती हूँ। तो अब मेरे पास क्या सेट्स बनेंगे, मैं एक सेट इन दोनों का बना दूंगी और एक सेट इन दोनों का, दैट मीन्स मेरे पास सेट्स बन जाते हैं -√3 और -√3। तो अब आप देखिए कि बहुत ब्यूटिफुल तरीके से हमारे पास इसमें से दो सेट्स खुद ब खुद बन चुके हैं।
और अब आप देखेंगे कि -2 और -2 तो दे देगा आपको -4 और √3 का √3। जस्ट बी केयरफुल गाइज कि जब आप लोग इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रूट रिटेन्ड होता है। रूट सिर्फ तभी निकलता है जब आप दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था। तो √2 × √2 जब आप करोगे फ्रेंड्स तो आपका 2 आएगा, रूट चला जाएगा। मगर जब आप कुछ ऐसा कंडीशन सॉल्व करते हो जिसमें यहाँ पर आप प्लस या माइनस का ऑपरेशन लगा रहे हो तो रूट वैसे का वैसे ही रिटेन्ड होता है। तो अब हम चलते हैं हमारी प्रॉब्लम की तरफ। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिए फैक्टर्स, तो आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी लिखना है और आपका जो लास्ट टर्म है आपको वो भी लिखना है इक्वेटेड टू जीरो। और जो मिडिल टर्म आ रहा है उसकी जगह पर हमने ये जो दो फैक्टर्स बनाए हैं -2√3x और अगेन -2√3x हम इसे लिख लेंगे। आप लोग किसी भी मोमेंट इसे चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो गाइज। माइनस माइनस आपको प्लस देगा तो 2 + 2 आपको 4 मिलेगा और माइनस की साइन रिटेन रहेगी और √3 भी बाजुक लग जाएगा। अब चलते हैं कॉमन निकालने की तरफ। तो बिफोर वी गो ऑन टू कॉमन, मैंने आपको इससे पहले की प्रॉब्लम में भी समझाया है कि ये इरेशनल नंबर फैमिली का है और ये रेशनल नंबर फैमिली का है, तो हमें पहले इसे भी इरेशनल बनाना पड़ेगा। तो मैं इस 3 को लिख लेती हूँ √3 × √3। गाइज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें से सिवाय एक्स के कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फिर हम लोग लिख लेते हैं x² - 2√3x - 2√3x + 4 = 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में जिसमें हमें निकाल लेना है कॉमन आउट। तो √3 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो मैं निकाल लेती हूँ √3 बाहर, x² और x में से छोटा वाला x आ जाएगा बाहर। अब हमें क्या करना है, हमें हर टर्म को इससे डिवाइड कर देना है। तो आप देख सकते हो √3 and √3 gets cancelled, x और x² में से एक x बच जाएगा गाइज और यहाँ पर एक और √3 बच रहा है, तो आई एम लेफ्ट विद √3x। फिर यहाँ जब आप चलते हो x and x gets cancelled, √3 and √3 gets cancelled और आपके पास बचता है -2। अब चलते हैं इस सेट की तरफ और इसमें से आपको क्या कॉमन निकालना है गाइज। 3 से आइडेंटिकल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2 एंड 4 है तो डायरेक्टली पहले माइनस की साइन है, माइनस निकाल लीजिए, 2 और 4 में से 2 बाहर निकाल लीजिए। अब जो आपने कॉमन निकाला है -2 आप उससे डिवाइड करके देख लीजिए। तो गाइज माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसल्ड, प्लस हो जाएगा, 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, आपके पास बचता है सिर्फ √3x। प्लस इंटू माइनस आपको माइनस देने वाला है और 2 1s are 2 2s are 4 आपको देगा -2। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये दोनों सेट्स आइडेंटिकल आ चुके हैं। तो प्रॉब्लम जो है हमारी बिंगो बिल्कुल सही जा रही है। अब हम लोग ये वाले दोनों सेट्स को कंबाइन कर लेते हैं और फिर हम लोग इनका फाइनली सॉल्यूशन लिख लेंगे। दोनों सेम है, मैंने पहले भी आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सेम और इक्वल रूट्स डेफिनेटली आ सकते हैं, तो आपको ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमने ये इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है और एंड में जो भी आंसर आता है आप उसे 2 times लिख लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 roots ही होते हैं। तो ये तो हो गई है हमारी सेकेंड प्रॉब्लम गाइज, और अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट दो और प्रॉब्लम्स पर। तो हमने यहाँ पर कोशिश किया है कि सबसे एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम्स हम लोग आपके लिए लेकर आएँ जो सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं और आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स की तरफ और देखते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो एज पर द मेथड हम लोग यहाँ पर भी सेम फंडा अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आप देख सकते हो 2 1s are 2 और तो भाई 2 किसी और टेबल में आता भी नहीं है तो लिखना भी वेस्ट है। तो 2 1s are 2, अब हमें जो भी कुछ करना है बस इन्हीं नंबर्स के साथ हमें सॉल्व करना होगा। गाइज आप देख सकते हो हमें 2√2 चाहिए, राइट। तो वॉट कैन यू डू विद दीस 2 numbers, तो हम क्या कर लेते हैं गाइज, ये जो 2 है इसे हम स्प्लिट करके लिख देते हैं √2 × √2। वो आप एनी टाइम लिख सकते हो और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में बताया रूट के सामने जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो आप ले लो 1√2 और आप ले लो 1√2, क्योंकि 1 1s are 1 ही होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब गाइज हमें चाहिए माइनस की साइन, तो डेफिनेटली हम इसे भी माइनस लगा लेंगे, इसे भी माइनस लगा लेंगे। अब आप ऐड करके देख लो -1√2 और -1√2 को, तो √2 तो सेम रहेगा गाइज, -1 - 1 आपको दे देगा -√2, जो कि आप देख सकते हो आपकी प्रॉब्लम का मिडिल टर्म है। तो अब देरी किस बात की है, आपको ऑलरेडी आपके फैक्टर्स मिल चुके हैं, बस अब आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो
तो हमने लिख दिया 2x² और हमने लिख दिया लास्ट टर्म और इक्वेट कर दिया 0 को. और अब हम चलते हैं हमारे बीच के टर्म को स्प्लिट करने के लिए. तो हम इसे लिखेंगे -1√2x और अगेन -1√2x. तो हमने फैक्टर्स भी हमारे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं. और अब आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द फैक्टर्स हम कॉमन निकालते हैं. तो सेम वही फंडा है, ये आपका रियल नंबर जो है ये रेशनल है, तो इसे रेशनल लिखिए. तो हम लिखते हैं √2 × √2. तकरीबन हर प्रॉब्लम में हम लोग इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं गाइज, और कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं. तो ये हमने सभी फैक्टर्स को फिर से लिख लिया. अब हमें कॉमन निकाल लेना है. तो √2 दो बार आ रहा है, तो यू कैन जस्ट सिंपली टेक आउट योर √2. और x² और x में से भी आपका x जो है वो बाहर आ जाने वाला है. तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे इन लोगों को. तो आप देख सकते हो √2 and √2 गेट्स कैंसल्ड, x एंड x² गेट्स कैंसल्ड. तो आपके पास एक √2 और x बच जाता है. यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाता है, x और x भी कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ 1 बचेगा. फिर हम चलते हैं यहाँ पर क्या कॉमन निकालना है. यहाँ पर √2 है और 1 है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है इन लोगों का, और x का भी कोई जोड़ा नहीं है यहाँ पर. तो सिर्फ माइनस की साइन पहले है, तो ऑल यू कैन डू इज माइनस निकाल लो बाहर और 1 निकाल लो. हर मर्ज की दवा 1 होती है, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो 1 निकलता है. तो गाइज जब 1 आप कॉमन निकालते हो तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि साइंस यहाँ पर काफ़ी मैटर करेंगे. माइनस माइनस आपको प्लस दे देगा, तो आपको मिलेगा √2x एज अ प्लस फॉर्म. प्लस इंटू माइनस माइनस देगा, तो आप लगाओगे माइनस और 1/1 आपको देने वाला है 1 ओनली. तो अब इससे हमारे फैक्टर्स जो निकलेंगे वो बनेगा √2x - 1 एक फैक्टर, और √2x - 1 एक और फैक्टर. और फिर हम लोग निकाल लेते हैं द वैल्यू ऑफ सो कॉल्ड x. तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने x को उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है, माइनस 1 को उधर भेज देना, तो प्लस 1 बन जाएगा और x इज इक्वल्स टू 1/√2. इसे आप दो बार लिख सकते हो क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक है और आपको सेम आंसर्स आ रहे हैं, तो यू कैन रिपीट देम 2 times. तो गाइज ये भी हो गया है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम. वही फंडा चल रहा है, मैंने क्या क्या स्प्लिट किया है आपको बताया है. 1 से 2-3 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो तो आपको खुद ब खुद ये आ जाएगा. एग्जाम में इन प्रॉब्लम्स को स्किप करना सोल्यूशन नहीं होता. इनफैक्ट लाइफ में किसी भी चीज़ से भागना या उसे छोड़ देना उसका सोल्यूशन नहीं होता है गाइज. तो अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जो कि आपके आज की वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम होने वाली है. तो इसे भी सॉल्व करते हैं, और ये भी अपने में एक बहुत अलग एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें x² के कोएफिशिएंट में भी रूट है गाइस, और कांस्टेंट टर्म में भी रूट है. तो चलिए सॉल्व करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 4√3 × 2√3 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है. 4 × 2 आपको 8 देगा, क्योंकि हमेशा रैशनल पार्ट रैशनल से मल्टीप्लाई होता है और इरेशनल पार्ट इरेशनल से मल्टीप्लाई होता है. फिर हमारे पास आता है √3 × √3, तो हमें मिलता है 8 × √3 × √3 आपको 3 देगा. तो मैंने 4 × 2 = 8 किया फ्रेंड्स, और √3 × √3 = 3, तो मेरे पास आंसर आ चुका है 24. अब ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लिखना चाहते हो तो आप फैक्टर्स लिख सकते हो 24 के, मगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपके पास सेट ऑलरेडी रेडी है 8 and 3. गाइज हमें चाहिए 5, और 8 - 3 आपको दे देगा 5. तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो 4√3x² + 5x - 2√3 = 0. मैंने इक्वेशन को कर लिया है अपनी रेडी. फर्स्ट वाला टर्म आपको एज यूजुअल लिख लेना है, लास्ट वाले टर्म को भी एज यूजुअल लिख लेना है, और जब मिडल की बारी आती है तो हमें इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करना है. तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 8 और लगा दो x, क्योंकि आपको 5 चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा माइनस. तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 8x माइनस आपका यहाँ पर लग चुका है 3x, और ये हो गया प्लस. तो प्लस और माइनस आपको माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 3 गए, आपको 5 मिल जाएगा. तो हमारा जो फैक्टर सेट है वो यहाँ पर ही है. अब चलते कॉमन निकालने के लिए. तो गाइज यहाँ पर √3 का कोई आइडेंटिकल टर्म नहीं है, तो हमें कोई फैक्टराइज आगे करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आप 4 और 8 में से 4 को कॉमन ले लीजिए, x² और x में से x को बाहर निकाल लीजिए. अब आपको कर देना है सिर्फ डिवाइड. तो आप देखो हम कर देते हैं इसे डिवाइड, और हमारे पास बचता है √3x. फिर यहाँ पर x गेट्स कैंसल, 4 × 2 = 8, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 2. अब चलते हैं इस तरफ गाइज, और इस तरफ आपको थोड़ा थोड़ा कंसर्न होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का आइडेंटिकल टर्म √3 आ चुका है. तो अपना पुराना फंडा है कि 3 को आपको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ
रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स गाइज। जी हाँ, मैं यहाँ पर 3 को रूट थ्री एक्स लिख रही हूँ। माइनस दो बार है तो पहले माइनस निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं रूट थ्री तीन बार आ चुका है, तो रूट थ्री बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर x का कोई पैर नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्रैकेट्स को ओपन करिए और कैंसलेशन के लिए आप लोग हो जाइए रेडी। तो बी वेरी केयरफुल, माइनस और माइनस पहले कटने वाले हैं और उसके बाद आपका एक रूट थ्री और एक रूट थ्री भी कट जाएगा, आपके पास बचने वाला है रूट थ्री एक्स। फिर चलते हैं हम लोग हमारे लास्ट टर्म की तरफ। माइनस और माइनस कट गया, रूट थ्री और रूट थ्री कट गया, तो हमारे पास बचता है प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। गाइस, कुछ लोग आपको ये समझाएंगे कि आपको यहाँ पर जो आंसर मिलता है बस आपको यहीं पर भी वही कॉपी कर लेना होता है, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लॉजिकली अगर देखा गया, अगर स्टूडेंट ने यहीं पर गलती कर दी तो वो सेम गलती इधर भी कॉपी करेगा। तो हम यहाँ पर किसी ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं गाइस, जो भी है लॉजिकली ही जाएगा। तो इट्स बेटर अगर आप प्रॉब्लम को पहले खुद से करना सीख लें। तो गाइज, अब क्लब करते हैं हमारे फैक्टर्स को, 4x माइनस रूट थ्री और फिर हमारे पास आता है रूट थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप देख सकते हो 4x माइनस रूट थ्री को हमने इक्वेट कर दिया है जीरो को और फिर रूट थ्री एक्स प्लस टू को भी हम लोग इक्वेट करते हैं जीरो को। हमें यहाँ पे मिलता है 4x इक्वल्स टू प्लस रूट थ्री एंड x इक्वल्स टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर और फिर हमें मिलता है रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि टू उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा एंड x इक्वल्स टू माइनस टू बाई रूट थ्री। तो ये तो हो गए हैं आपके दो सॉल्यूशंस और इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है पूरा का पूरा सिनेरियो आज की वीडियो का। तो गाइस, हमने समझा दिए हैं आपको आज के सभी प्रॉब्लम्स जिसमें रूट्स इन्वॉल्व्ड हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। वीडियो है, पॉज करिए, समझने की कोशिश करिए उस प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर स्टेप को, कि उसमें क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। तो आई वुड डेफिनेटली गारंटी यू कि आपको ये रूट के प्रॉब्लम्स भी बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे। तो अब ये तो हो गए आपके एक्सेप्शनल रूट के प्रॉब्लम्स जिससे हर बच्चा भागता है और एग्जाम में छोड़ के आ जाता है और मार्क्स भी बहुत आसानी से आप लोगों के चले जाते हैं और आज से ऐसा नहीं होगा। तो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि कल का क्विज का आंसर, करेक्ट आंसर क्या है। और कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपको इसे कंप्लीट करना था। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो मैंने क्वेश्चन को पुटअप किया है विद द सॉल्यूशन। तो आपको सिर्फ इतना करना था कि पहले आपको जो कॉन्स्टेंट 6 है उसे ऑपोजिट साइड भेज देना था। फिर मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर को आपको अकेला कर देना है, तो हमने ओवरऑल 2 से डिवाइड कर दिया ताकि x स्क्वायर अकेला हो जाए और हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गई है। उसके बाद हमें फॉर्मूला यूज़ करना था हाफ बी बाई ए होल स्क्वायर का और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था बी बाई ए एक्स का कोएफिशिएंट होगा, तो हमने 1/2 इनटू यहाँ पर जो x के सामने कोएफिशिएंट नज़र आ रहा है 1/2 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिल गया है 1/4 होल स्क्वायर और इसी 1/4 होल स्क्वायर को आपको दोनों तरफ पे ऐड कर देना था। तो जब आप देख सकते हो ये पूरा पॉजिटिव ही है तो आपको एक्सपेंशन मिलती है a प्लस बी होल स्क्वायर की और यहाँ पर 1/4 1/16 हो जाता है, तो हमें यहाँ पर एलसीएम देना होता है, तो एलसीएम लेने पे हमें मिलता है 49/16 और जब स्क्वायर रूट इधर आता है तो हमें मिलता है प्लस ओ माइनस अंडर रूट 49/16 विच इज़ नथिंग बट 7/4। उसके बाद नॉर्मल आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्यूशंस के तौर पर आपके पास एक सॉल्यूशन आता है x इक्वल्स टू 3/2 और दूसरा सॉल्यूशन आपके पास आता है x इक्वल्स टू -2। गाइस, स्टूडेंट्स हमेशा सोचते हैं कि उन्हें मेथड आ गई है करने के लिए, उन्होंने एक बार देख लिया है तो दे नो हाउ टू सॉल्व, मगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम आज आप लोगों के सामने वीडियोस इसलिए पेश कर पा रहे हैं क्योंकि वी हैव गॉट मोर एक्सपीरियंस देन यू पीपल और हम ज़्यादा आपसे नॉलेजेबल हैं। और गाइस, ऑब्वियसली है कि उम्र में भी हम आप लोगों से ज़्यादा हैं, तो हमें ज़्यादा इन चीज़ों की प्रैक्टिस है, हम लोग करते आए हैं इतने सालों से ये चीज़ें, तो हम इन चीज़ों में परफेक्ट हैं। तो गाइज, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये सोच लेना कि एक ग्लांस में या एक वीडियो देखने पे आपको सब कुछ समझ में आ गया, इट विल नॉट वर्क। आप लोगों को खुद अपना पेन और पेपर उठाना पड़ेगा, स्क्रिबल करना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि टॉपर्स भी इनमें मिस्टेक कर सकते हैं। तो जिन्होंने ट्राई किया है, राफिक कलीम, यू वर ऑलमोस्ट नियर टू द आंसर, मगर अनफॉर्चुनेटली आंसर पूरा सही नहीं हो सका, बट आई स्टिल अप्रिशिएट दैट एटलीस्ट यू हैव ट्राइड इट आउट।
तो अब चलते हैं गाइज हमारी आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, जो हमारे वीडियो में मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है, और वो है आप लोगों का टेक अवे। तो हमारा आज का टेक अवे क्या है? हमारा आज का टेक अवे आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, ये है गाइस। जी हाँ, हमारा आज का टेक अवे जो आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो है WHYY, या फिर जैसी आप लोग सोशल मीडिया की लैंग्वेज में लिखते हो, सिंपल वाई विद अ क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, इंग्लिश का ये वर्ड वाई, इसका मीनिंग क्या होता है? वाई जो है वो एक्चुअली रीजनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं, किसी भी चीज़ को जब आप रीज़न करते हो, क्यों जिसे कहते हो, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में वाई। ये जो वर्ड वाई है गाइस, जो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है, ये खुद अपने में बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, आंसर है। अब समझते हैं वो कैसे। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये जो तीन लेटर से बना हुआ वर्ड है WHY, ये आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर है, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और आपके हर सक्सेस की चाबी है। तो कैसे गाइज, हम लोग अक्सर ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं जिसमें हम लोगों को सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है कि हम हमेशा अपने आप से कंप्लेन करते हैं और रिग्रेट करते हैं कि सारा दिन हम लोग पढ़ते हैं, उसके बावजूद हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो इसका रीज़न आप खुद ही से पूछिए, वाई। आप लोग एक ही चैप्टर को बार बार रिवाइज करते हो, मगर फिर भी वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हो पाते, ask yourself why। आज हमसे ये नहीं होगा, कल हमसे वो नहीं होगा, तो ये काम हम बाद में कर लेते हैं, अभी इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों गाइस? ask yourself why। मैं सुबह से लेके शाम तक 14 आवर्स पढ़ रही थी, मगर फिर भी मैं अपने एग्जाम में टॉप नहीं कर सकी। अगेन, अपने आप से सवाल कीजिए why। मेरे पास आज पेन नहीं है, पेन की रिफिल ख़त्म हो चुकी है, तो फिल वक्त पेंसिल से काम चला लेते हैं। गाइज, ये करना ठीक होगा? आस्क योरसेल्फ व्हाई। उसके बाद ऐसे ही कई सारे सवालात हैं, आपके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लीजिए एक बार कि क्या आपको नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। आपके पुराने दोस्त आपसे दूर होते जा रहे हैं, अगेन आपको ये क्वेश्चन अपने आप से कर लेना चाहिए कि दूर हो रहे हैं तो क्यों दूर हो रहे हैं, व्हाई। अगर आपको आपके पेरेंट्स का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगेन आस्क योरसेल्फ व्हाई। ना कि आप लोग पेरेंट्स से जाके ये सवाल करें कि उन लोग बार बार आपकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उसी तरीके से गाइस, देर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनके लिए आप अपने आप से व्हाई पूछ सकते हो। अगर आपकी मेहनत की कमी हो रही है, तो आप अपने आप से ही पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो अगेन आस्क योरसेल्फ कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें नहीं बन रहा है। अगर आपके कोई कलीग्स या आपके फ्रेंड्स आपसे एकेडमिक्स में आगे हैं, तो उसका भी आंसर ढूंढने से पहले अपने आप से सवाल करिए वाई। तो जिस दिन जिस सिचुएशन में आपको इस वाई का आंसर मिल जाएगा गाइस, उस दिन समझो आपको उस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल चुका है। ये P4A मैथमेटिक्स मैजिक का दावा है। तो गाइस, ये तो हो गया आपका आज का इम्पोर्टेंट टिप, और उम्मीद करती हूँ कि ये वाई को आप इसी वक्त और अभी से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेंगे, और ये वाई फंडा को अप्लाई करके देखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये वाई के लॉजिक को लगाएंगे, तो इसका आंसर इक्वल टू जीरो नहीं, इक्वल टू सक्सेस ही आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ, और एक नई टिप या टेक अवे के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।